हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको समझाऊंगा डिस्क ब्रेक्स के बारे में कि डिस्क ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है डिस्क ब्रेक्स का, और ये बेसिकली हमारा जो डिस्क ब्रेक का जो आप डिस्क देखते हो उसे हम रोटर भी कहते हैं। तो ये डिस्क है और ये टायर से जुड़ा हुआ एक एक्सल है। तो जब टायर रोटेट करता है रोड पे, जब टायर चल रहा है तो उस समय ये भी उसके साथ घूम रहा है, ये रोटर भी इस तरीके से घूम रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, इसे हम कैलिपर कहते हैं। एक मोटा सा पैड जो होता है जो डिस्क के ऊपर लगा रहता है, ये वो है जो इसके अंदर असेंबली हो रखी है पूरी। ये ब्लैक कलर की पिस्टन्स हैं और ये जो रेड कलर में लाइनिंग है ये ब्रेक पैड है। ये जो ग्रीन कलर में फ्लूइड आपको दिख रहा है ये ब्रेक फ्लूइड है। तो दो तरीके के हमारे पास डिस्क ब्रेक्स काम कर सकते हैं, दो तरीके से। एक ऐसा होता है जिसमें ये कैलिपर आगे पीछे मूव कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग टाइप। और एक ऐसा भी होता है जिसमें ये जो कैलिपर है वो फिक्स है, ये आगे पीछे इस तरीके से मूव नहीं कर सकता। तो जब हमारी मोटरसाइकिल या कार रनिंग में है तो उस समय ये डिस्क भी लगातार घूम रही है। और फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो मास्टर सिलेंडर से ये जो फ्लूइड है ये प्रेशराइज होके आता है। तो इसमें प्रेशर होता है, जब ये अंदर आता है तो सबसे पहले ये जो रेड कलर का ये जो पिस्टन है और आगे ये जो ब्रेक पैड है, तो ये आगे मूव करेगा और इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, कॉन्टेक्ट में आ गया इसके साथ। अब क्या होगा कि जब ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में आ गए, तो क्योंकि फ्लोटिंग टाइप है ये आगे पीछे मूव हो सकता है, तो ये जो प्रेशर है जो कि ब्रेक फ्लूइड आया है यहाँ पे भी गया है, क्योंकि ये तो इसके कॉन्टेक्ट में ये आगे बढ़ नहीं सकता और वहां से प्रेशर लगातार आ रहा है। तो ये जो इसमें फ्लूइड आया है इस पे इस तरफ इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने से ये आगे आएगा और फिर ये जो हमारा पैड है ये भी इसके साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और जब ये दोनों इस तरीके से इस पे प्रेशर लगाएंगे तो डिस्क हमारी रोटेट होना रुक जाएगी, घूमना बंद हो जाएगी, जिससे हमारा टायर भी जो है आगे घूमना बंद हो जाएगा और ब्रेक्स लग जाएंगे। ये किस तरीके से काम करता है फिक्स वाला, इसमें हमारे पास जो पिस्टन है वो चार है। इस फ्लोटिंग वाले में आप कह सकते हो पिस्टन जो है वो एक ही रहता है, साइज में बड़ा होता है। इसमें पिस्टन चार है, साइज में छोटे हैं। ब्रेक पैड है, थोड़ी सी अलग इसकी वर्किंग होती है, ये फिक्स होता है। यहाँ से फ्लूइड आया, प्रेशराइज होके आया और हर तरफ से इक्वल प्रेशर, यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे है। तो दोनों एक साथ ये जो ब्रेक पैड है आगे आते हैं, जब आप ब्रेक दबाते हो, ब्रेक दबाते ही मास्टर सिलेंडर से जो है प्रेशराइज होकर ये ब्रेक ऑयल आता है और इक्वल प्रेशर लगाता है, ये फिर इसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं डिस्क के और इसको रोटेट करना बंद कर देते हैं। तो ब्रेक अप्लाई हो जाता है, हमारी गाड़ी वहीं रुक जाती है। कौन सा ज़्यादा बेटर है? वैसे तो दोनों ही बेटर हैं। फिक्स वाला जो है वो थोड़ा महंगा रहता है और परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा फिक्स वाला ही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पिस्टन जो है चार हैं, तो जो अप्लाइड प्रेशर जो फोर्स होता है वो इस वाले से कंपेरेटिवली, डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो इस वाले से सिंगल पिस्टन वाले से ज़्यादा है। ये वाला थोड़ा कम कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा जब आप व्हीकल चलाओगे। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो काम करता है। अगर कोई भी क्वेरी आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।